ये वो सामान है जो मैं लेके आया हूँ अपने बच्चों के लिए, और आप भी दिवाली पे अपने घर से निकलिए जरूर और बच्चों को पटाखे जरूर लेके देने हैं, क्योंकि पटाखों के बिना मजे नहीं है। हाँ बिल्कुल, पॉल्यूशन में करना नहीं, और हम कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारे दिल्ली NCR में वैसे भी पटाखे बड़े बड़े बैन है, बारूद वाले हम ले नहीं सकते हैं, तो जो छोटे छोटे हैं वो बिल्कुल लेने हैं और चलाने हैं। दिवाली का मजा पटाखों के साथ है, और खासकर मेरी फेवरेट हो गई है ये वाली गन, एक शॉट और हो जाए इस गन के साथ। ये बड़ी कमाल की चीज़ है, मैं बनाने वाले को अभी तक मतलब इतनी खुशी महसूस कर रहा हूँ जिसने भी ये बनाई है, मतलब कितनी बढ़िया चीज़ बनाई है। देखिए इसके अंदर सिर्फ एक मैच स्टिक लगानी है और इसको यूँ बंद कर देना है, और उसके बाद इससे बढ़िया आवाज आपको नहीं मिलेगी। हैप्पी दिवाली। हे गाइस, दिवाली वाले दिन है और आप लोगों को पता है दिवाली के जो दिन होते हैं इनका मज़ा कुछ और ही तरीके का होता है, और दिवाली बिना पटाखों के वो भी बच्चों के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं अपने बच्चों के साथ जाके ले आया हूँ कुछ छोटे छोटे से पटाखे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ मैंने पूरे पटाखे फैला दिए हैं जो जो हम लेके आए हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ हम क्या क्या लेके आए हैं, कुछ नए तरीके के हैं, कुछ पुराने तरीके के हैं। सबसे पहले बात करने वाला हूँ मैं इस गन की, मैंने ये पहली बार देखी है भाई, ये बड़े गजब की गन बनाई है, और बनाने वालों को हमें पता नहीं कितने तोपों की सलामी देनी चाहिए। इसकी खास बात यह है कि जैसे हमारी गवर्नमेंट बैन करे जा रही है कि हमें बारूद नहीं जलाना चाहिए, उससे पॉल्यूशन होता है, सही बात है पॉल्यूशन होता है, बट पटाखों के बिना मज़े भी नहीं आते हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो ये बनाने वाले ने एक गन बनाई है। इस गन का फ़ायदा ये है कि गन में कोई बारूद नहीं डलता है। गन में क्या डलता है, गन में डलती है मैच स्टिक, इसको हमें अंदर डालना होता है और तब ये चलती है। मैं देखने वालों कैसी आवाज़ करने वाली है, बट ये कुछ अलग सी चीज़ थी। मेरा मानना है अगर ये सब बैन भी हो जाएगा तो मैच स्टिक तो कभी बैन होने वाली है नहीं, तो ये गन हमेशा चलती रहेगी, बशर्ते कि हमें इसको बड़ा संभाल के रखना पड़ेगा, ये टूट गई तो कहानी ख़त्म, नहीं तो चलती रहेगी। एक बार ट्राई करता हूँ ये कैसे चलती है, देखते हैं पहले खुलती कैसे है, मुझे ही नहीं पता खुलती कैसे है। इसके ऊपर ये क्लिप लगा हुआ है, इसको प्रेस कर देंगे और ये खुल गया है। खुलने के बाद इसके अंदर ये स्पेस दे रखा है, यहाँ पे हमें मैचस्टिक डालनी है, और माचिस का पैकेट फटाफट खोल लेते हैं। ये आ गई हमारी मैचस्टिक, हमने इसमें से निकाल ली है एक मैचस्टिक, और अब इसके अंदर स्लाइड कर देंगे एक। ओके, इसे थोड़ा सा बाहर निकालना है, मेरे को शॉप वाले ने बोला था कि थोड़ा सा बाहर निकाल के रखना, तो मैंने निकाल दिया थोड़ा सा बाहर। अब इसको लोड करेंगे, डर लग रहा था टूट ना जाए, हो गया। अब नाव देखते हैं कैसे चलती है ये। मेरे ऊपर मत चलाना। अरे नहीं चलाना, नहीं चलाना। आ रही है पूरी, आ रही है। हाँ। ये तो मजेदार थी भाई, मजा आ गया। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ठीक है गाइस, एक और तैयार करते हैं। मुझे लग रहा है कि आवाज़ तो बहुत अच्छी है, इसलिए भी है क्योंकि मेरी मैचस्टिक अच्छी कंपनी की है, तो आप भी ऐसी ही होम लाइट वाली लेके आए, काफ़ी अच्छी कंपनी है, हम बचपन से जानते हैं। एक और ट्राई करते हैं। देखिए मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ एक और मैचस्टिक, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई अपने को पटाखा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैचस्टिक तो सबके घर में होती ही है, नहीं होती है तो आराम से मिल भी जाएगी। और इसको करने के बाद हमें लोड करना होता है, आपने आवाज़ सुनी, फिर बंद कर देंगे, फिर चलाएंगे। ये देखिए ध्यान से, ये मज़ेदार है बिल्कुल, ये तो बहुत मज़ेदार है। इसको एक्चुअली मैं ही चलाने वाला हूँ, ये मैं अपने बचपन के शौक़ पूरे करने के लिए लेके आया हूँ। और चलिए आगे चलते हैं, ये तो मैंने दिखा दिया, ये ऐसे बॉक्स में आएगी, और इसका प्राइस मुझे पड़ा है, ये मुझे मिली है 100 रुपीज़ की। तो अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो 100 रुपीज़ में आप ये ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि ये बड़ी अच्छी आवाज़ कर रही है और सिर्फ मैच स्टिक के साथ चलती है, तो अपने को ये भी नहीं है कि पटाखे ख़त्म हो गए तो कहाँ से लेके आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ये सेकंड वाली गन की, ये रोल वाली गन है, ऐसी मैं दो लेके आया हूँ। इसके अंदर रिंग डलता है, कौन सा रिंग डलता है ये देखिए, इसका पैकेट है, ऐसे पैकेट में आपको रिंग मिलता है जो इसके अंदर डलता है। पहले से खोल के दिखा देता हूँ, इसको जब हम खोलते हैं तो इसके अंदर ऐसे रोलर लगा होता है जो रोटेट होता है, इसके अंदर हमें अपना रिंग लगाना है। तो रिंग कहाँ पे है, रिंग हमारे पास यहाँ पे है, मैंने इस पैकेट को खोल दिया है। इस पैकेट के अंदर से देखिए इस तरीके से रिंग निकलेगा, तो 1 2 3 3 3 9 9 रिंग्स है इसके अंदर जो हम चला सकते हैं। और ये जो एक पैकेट है मुझे पड़ा है 10 रुपये का, तो 10 रुपये में ये 9 रिंग मिल रहे हैं, और 9 रिंग में ये कितनी बार चलेगा अभी चला के देख लेते हैं, इसमें से कितने पटाखे कितनी बार चले गए। तो एक रिंग मैं इसमें से निकाल रहा हूँ जो मैं आपको चला के दिखाने वाला हूँ। मैं जब छोटा था मैं काफ़ी पटाखे चलाता था, जैसे आप लोग भी चलाते होंगे, तो वो बचपन वाले शौक है ना, जो फीलिंग है वो कहीं जा नहीं रही है, बट अब वो वाले पटाखे तो मिलते नहीं है, बारूद वारूद वाले, तो इसे चला लेते हैं, वरना वो ग्रीन वाले आलू बम और जो बाकी बम थे उनका मज़ा कुछ और था। देखिए मैंने इसमें लोड कर दिया है,
अब इसको एक एक करके चलाते हैं, एक एक करके चलाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 इसके अंदर शॉट है, तो 8 शॉट है और आपके पास 9 ऐसे वाले रिंग्स हैं, तो भाई बढ़िया चीज़ है, ले आइए आप। आवाज़ बहुत बढ़िया है, मैं 2 ले आया हूँ। मुझे लगा एक टूट जाएगी तो इतने सारे पैकेट में कैसे यूज़ करूँगा, तो मैं 2 ले आया हूँ। 2 बच्चे हैं और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें वो दूसरे वाला जो हम रिंग वाला पटाखा लगाते हैं वो क्या होता था, वो चलाते थे तो उसमें चिंगारी पीछे को आती थी, तो कभी कपड़ों पे और हाथ पे लग जाती थी, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा वो मुश्किल होता है। तो मैं ये वाली ले आया हूँ, इसमें से चिंगारी निकलने का कोई डर नहीं है। ये मुझे कितने की मिली है, ये मुझे 50-50 रुपीज़ की दोनों मिली है, तो 100 रुपीज़ में ये 2 लेके आया हूँ। रिंग मैंने आपको बता दिया, मेरे को 10 रुपये का पैकेट मिला है और मेरे ख्याल से मैं 25 पैकेट लेके आया हूँ ये वाले। ठीक है, अब दिखाते हैं आपको जो मेरा फोर्थ आइटम है मैंने ये वाली गन है फोर्थ आइटम, ये भी मैं 2 ले आया हूँ। ये जो हम बचपन में चलाते थे वही वाली गन है, ये पिंक कलर मेरे को बहुत पसंद आ रहा था, तो मैं इसमें भी 2 ले आया हूँ। ये मुझे 60 रुपीज़ की मिली है, ये 60 रुपीज़ की मिली है और ये छोटी वाली 50 रुपीज़ की मिली है। तो ये तो हम बचपन में चलाते ही थे अपनी। इसके अंदर से क्या है, इसको यूँ खोल के और अपना रिंग लगा लेते हैं। एक बार लगा के मैं आपको दिखाता हूँ इसकी आवाज़ कैसी है, पर इसमें से चिंगारी निकलती है ज़्यादा, तो मैं मतलब हमारे पास तो बचपन में यही वाला ऑप्शन होता था, हम यही चलाते थे। एक दूसरा आता था कारतूस वाला, अगर आप लोगों को याद हो, बट ज़्यादातर लोगों ने यही चलाया होगा, ये बहुत कॉमन था और अभी भी कॉमन ही है और ये बैन भी नहीं हुआ है। तो ये चला के दिखा दो, मेरे को खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि इसमें से चिंगारी निकलती है। तो भाई इसमें से बहुत चिंगारी निकली है, ये अच्छे से देखो पूरा पूरा चल गया है। और इसमें बहुत सारी वैरायटी मिल रही थी मेरे को, ये वाला जो पैकेट है ये मैं क्लासिक का लेके आया हूँ, बट इसमें बहुत सारे पैकेट थे। ये वाला मेरे को 140 रुपीज़ का पड़ा है ये पैकेट, तो मैं ये 2 लेके आ गया हूँ। 140 का सिंगल है, तो 280 के 2 लेके आया हूँ। इसमें सस्ते वाले भी थे, इसमें 60 वाला भी पैकेट था, 100 वाला भी था, बट मैं 140 वाला लाया हूँ। तो शॉप वाला बोल रहा था कि इसमें सारे पटाखे चले गए, जो आपके जो ये जितने भी इसमें पटाखे होंगे सारे चले गए, बट अगर जो 60 वाला आप ले आएंगे, सस्ते वाला ले आएंगे, तो उसमें सारे नहीं चलेंगे। बट हाँ, आपने देखा होगा मैंने चलाई है, ये इसकी चिंगारी निकलती है, हाथ पे लगती है, तो ये बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे पता था निकलती है, बट फिर भी बिकॉज मिरर वाज क्राइंग कि उसको चाहिए ये वाला कलर, तो मैं उसके लिए ले लिया है, बट वो चला नहीं पाएगी इन पटाखों से, तो मैं ही चलाऊंगा इसको भी, तो मतलब ओवरऑल मैं अपने लिए लेके आया हूँ ये भी। अच्छा, तो इसके बाद और क्या है इसके साथ लेके आया हूँ मैं, इसके साथ लेके आया हूँ इनके लिए ये क्या बोलते हैं इसको, पॉपर्स। मैं लेके आया हूँ साथ में ये पॉपर्स, और पॉपर्स आजकल बहुत कॉमन है, ये फेंक देते हैं तो नीचे चल जाते हैं, और ये जो पॉपर्स है ये इको फ्रेंडली इसमें लिखा हुआ है, बारूद तो यार इसमें होता होगा पर थोड़ा बहुत। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसे होते हैं जो पॉपर्स हम इसमें से निकालते हैं, तो काफ़ी सारे मिल जाते हैं। ये मुझे कितने के मिले हैं, ये मुझे एक दर्जन कितने के, मैं भूल गया हूँ कितने के मिले थे, 1200 रुपये के। गाइस ये जो पॉपर्स है ये मेरे को मिला है लगभग 12 रुपये का एक पैकेट मिला है, और मैं शायद 12 ही पैकेट लेके आया हूँ। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे से इसके अंदर होते हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस लेके इनको नीचे फेंक देना है, और कुछ ऐसे ही आवाज़ करते हैं, बड़े मज़ेदार होते हैं ये ऐसे। इट्स ओके, और आप भी दिवाली पे अपने घर से निकलिए जरूर और बच्चों को पटाखे जरूर लेके देने हैं। इससे बढ़िया आवाज आपको नहीं मिलेगी। हैप्पी दिवाली।